नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक है। स्वागत है आपका मेरे चैनल वाइल्ड टेस्ट बर्ड्स पे। आज मैं आया हूँ इस बेहतरीन जंगल में। आप मेरे अतराफ में देखोगे तो काफ़ी हरियाली ही हरियाली है यहाँ पर। और आज हम लोग बनाने जा रहे हैं आलू के पराठे। आलू के पराठे बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, तो इसके लिए हमको सिर्फ चाहिए सिर्फ दो चीज़ें। एक होता है आउटर लेयर और एक होता है इनर लेयर। आउटर लेयर के लिए हम लोग रेगुलर फ्लावर यूज़ करेंगे, व्हीट फ्लावर, और इनर लेयर के लिए बहुत ही टेस्टी और बढ़िया स्टफिंग यूज़ करेंगे जो कि आलू का होगा। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनता है। सो ये रही हमारी अजवाइन जो हम आटे में मिक्स करेंगे। ये हमारे आलू रह गए, ये है हमारा नमक और तेल। तो अभी हम क्या करेंगे, तेल को थोड़ा सा आटे में डालेंगे, थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे पानी डालकर। सो ये मैंने डाला थोड़ी सी अजवाइन। डालेंगे इसमें से थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा तेल इसमें अच्छे से मिल जाए, बाद में हम लोग इसमें पानी मिलाएंगे। ओके, अब हम लोग इसमें पानी मिलाएंगे। सो अभी हम लोग इसको मिलाएंगे अच्छे से। पराठा जहाँ तक हम जानते हैं ये ओरिजिनेट पंजाब से हुआ है। किसी पंजाबी ने इसको बनाया था स्टफ़ करके, और वो इतना लजीज बना कि वो सारे हिंदुस्तान में फैल गया। हिंदुस्तान में ही नहीं, सारे एशियाटिक सब कॉन्टिनेंट में फैल चुका है। हर जगह पे आप देखोगे आलू पराठा बनेगा, और ये ज़्यादातर लोग ब्रेकफास्ट के लिए खाते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रेकफास्ट के लिए चाहिए आपको, आप इसे लंच में भी कर सकते हो, स्नैक की तरह भी खा सकते हो, एंड इट इज़ अ रियली नाइस डिश। और जो सो अभी हमारा आटा अच्छे से मिल चुका है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, तो ऐसे हमको बेलने के लिए बहुत अच्छा आएगा। राइट, अभी हमारा आटा बन चुका है, अभी हम इसका स्टफिंग बनाते हैं। स्टफिंग के लिए ये रह गए हमारे उबले हुए आलू, फिर उसके साथ में हमें थोड़ा धनिया होगा, तो करी पत्ता रहेगा, ग्रीन चिली रहेगा, और साथ में थोड़ा सा नमक। चिली कट करेंगे, तीन से चार चिली काफी हो जाएंगे। आपको स्पाइसी चाहिए तो और एक डाल सकते हो, मैं तो तीन डालूंगा। ये हो गया बारीक कटा हुआ धनिया, इसका हम लोग स्किन निकाल देंगे ऐसे। तो ये आलू को हमने अच्छे से छील लिया है, अभी इसको हम इसमें मिक्स करेंगे, अच्छे से मैश करेंगे और अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। जो इसका स्मेल आ रहा है आलू और धनिया और मिर्ची का, बहुत ही बढ़िया स्मेल है। ये भी अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें काली मिर्च डालेंगे, अभी हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो आलू की खास बात ये है कि आलू हर जगह मिलेगा तुम्हें, इंडिया के ऐसा है कि सारी दुनिया में मिलेगा आलू। जहाँ तक मैं जानता हूँ आलू को, आलू बहुत क्रीमी होता है, आलू में बहुत टेस्ट होता है। सो आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो आलू से, तो वैसे ही आज हम आलू पराठा बना रहे हैं। प्लस आलू पराठा के साथ अब साइड डिश की तरह में आप या तो दही के साथ खा सकते हो, या फिर अचार के साथ खा सकते हो, या फिर कोई चटनी के साथ भी खा सकते हो आप। जैसे कि हैदराबाद, यहाँ पे साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में आलू पराठा अगर बनेगा तो लोग ज़्यादातर अचार के साथ खाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लोग को खारा खाना पसंद है। तो अभी हमारा आलू बन चुका है, हमारा आटा बन चुका है, और अभी मैं रखता हूँ पैन गर्म होने के लिए, और हम लोग शुरू करते हैं आलू पराठा बनाना। और जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरा रॉकेट स्टोव है, वाइल्ड टेस्ट बर्ड्स दिखा हुआ है इस पर, ये मैंने खुद बनाया है, आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हो, मैं यहाँ पर लिंक लगाऊंगा। ओके, तो ये हमारे आटे में से हम एक छोटा सा पीस लेंगे आटे का, इसको अच्छे से राउंड करेंगे, अच्छे से आपको ऐसे करना है।
से दबाएंगे। ये रह गया हमारा। अब हम इसमें हमारा आलू का स्टफिंग डालते हैं। अब हम इसको ऐसे पैक कर देंगे। ये मैं बचपन में देखता था, हमारे मॉम करते थे ऐसे, देखने में ही बहुत बढ़िया होता था, आज बनाने में बहुत मजा आ रहा है। तो ये हमारा स्टफ्ड पराठा हो चुका है। अब हम इस पैसे डालेंगे इसको और इसको अच्छे से बहुत प्यार से इस पैसे देंगे। बस मैं चाहता हूँ कि वैसे ही बन जाए, वैसे ही टेस्ट आए। अगर आप देख सकते हो तो कैसे आराम से फैल रहा है। थोड़ा सा हम तेल डालेंगे इस पे अच्छे से। ये गया है हमारा तेल, इसको मैं अच्छे से फैला लूँगा। ये जा रहा है हमारा पराठा। तो गाइस हमारे पराठे बन चुके हैं और पराठा बिन बटर के तो मज़ा हो ही नहीं सकता। तो हम इस पे से डालेंगे थोड़ा सा बटर, मक्खन के बिना पराठा बन ही नहीं सकता है। तो ये गया हमारा पराठा, एकदम पंजाबी स्टाइल पराठा। पराठे का साइड डिश होता है दही। दही के साथ हम लोग मिलाएंगे थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा सा नमक। ये गया हमारा काली मिर्च, ये गया हमारा नमक। इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो ये बन गया है हमारा पराठा, लजीज पराठा। चलिए ट्राई करते हैं इसे। ओह, आपको तो बनाना पड़ेगा। तो ये मेरी रेसिपी देखिए और इस पराठे को बनाइए और ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि कैसे बनाएं। ओके, और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो भूलना मत लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आपको ऐसे वीडियो और बनाकर दिखाता रहूँगा। थैंक यू गाइस मेरे साथ रहने के लिए। तो चलिए टेस्ट करते हैं। बढ़िया, एकदम माँ की हाथों की तरह बढ़िया, परफेक्ट। दिस इज़ नॉट होम स्टाइल पराठा, बट घर के स्टाइल का पराठा है। बहुत बढ़िया है।